नमस्कार। हम अनेक यादृच्छिक चरों अथवा यादृच्छिक साजिशों की चर्चा कर रहे थे, जहां पर हम दो से अधिक यादृच्छिक चरों का व्यवहार देखते हैं। हमने उनका घनत्व फलन, बंटन फलन इत्यादि देख लिया था। अब जहां हम किसी यादृच्छिक चर का घनत्व फलन परिभाषित कर सकते हैं, वहीं हम उसका वैशिष्ट्य फलन अथवा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, हम उसका वैशिष्ट्य फलन अथवा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी परिभाषित कर सकते हैं, जहां फाई एक्स ओमेगा बराबर है यह है, जो कि बराबर है, क्षमा कीजिएगा, छोटा ओमेगा, यह बराबर है प्रत्याशित मान आयोटा जोड़ के बराबर है एक से एन ओमेगा के एक्स के। यह इस वैशिष्ट्य फलन की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए यह दिखाना सरल है कि यदि एक्स एक, एक्स दो, एक्स एन स्वतंत्र हैं, तब ओमेगा बराबर है एक्स एक ओमेगा एक, एक्स दो ओमेगा दो। यह अब इस प्रकार हमने इनके वैशिष्ट्य फलन परिभाषित किए थे। समान रूप से हम आघूर्ण जनक फलनों को भी परिभाषित कर सकते हैं, किंतु उन्हें अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम एन यादृच्छिक चरों के संदर्भ में यादृच्छिक चरों अथवा यादृच्छिक साजिशों के संदर्भ में गौसियनत्व अथवा गौसियनिटी की परिभाषा देंगे। यादृच्छिक चरों एक्स एक से एक्स एन को संयुक्त रूप से गौसियन केवल और केवल कहा जाता है जब किन्हीं गुणकों ए एक से ए एन के लिए जोड़ ए आई एक्स आई आई बराबर एक से एन भी एक गौसियन यादृच्छिक चर हो। इन्हें मैं दोहराता हूँ, एक्स एक से एक्स एन को संयुक्त रूप से गौसियन तब कहा जाएगा जब इनका भारित मान अथवा भारित जोड़, यह देखा जा सकता है कि यह एक्स एक से एक्स एन का भारित जोड़, जब उन यादृच्छिक चरों का भारित जोड़ भी एक गौसियन यादृच्छिक चर हो, तब उन्हें संयुक्त रूप से गौसियन कहा जाता है। अब हमने देखा था कि दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में संयुक्त गौसियनत्व को परिभाषित करना कितना कठिन था, अथवा हमने यह भी देखा था कि दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में गौसियनत्व एक कठिन सूत्र के रूप में हमारे सामने आया था।
यदि हम उन्हीं क्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे तो प्रत्येक यादृच्छिकचरों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वह इतना जटिल हो जाएगा कि हमारे लिए उसे लिखना संभव नहीं होगा। किंतु सादिशों के विषय में जो कुछ सादिशों आव्यूहों एवं रैखिकीय बीजगणित के रूप में अथवा लीनियर अलजेब्रा से जो कुछ हम जानते हैं उसका प्रयोग करके हम एन यादृच्छिक चरों के बने हुए एक यादृच्छिक सादिश को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि हम उसका गौसियनत्व सरल रूप से समझ सकें। अब यदि एक यादृच्छिक सादिश x बराबर है एक्स एक से एक्स एन आर एन का अवयव है, एक वास्तविक गौसियन यादृच्छिक एक वास्तविक गौसियन यादृच्छिक चर है जिसका मध्यमान म्यू बराबर म्यू एक से म्यू एन एवं सहप्रसरण आव्यूह सी है, तब उसका प्रायिकता घनत्व फलन को मैं पीडीएफ ही लिख रहा हूं, तब उसका प्रायिकता घनत्व फलन इस प्रकार दिया जाएगा। बराबर है एक बटे दो पाई एन बटे दो सी आधा घात फलन देख सकते हैं कि यह दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में हमारे प्रायिकता बंटन फलन से कहीं सरल है। अब यदि हम x को x1 x2 रूप का एक द्विआयामी समझें जिसका मध्यमान म्यू बराबर म्यू एक म्यू दो है एवं सहप्रसरण आव्यूह सी बराबर है सिग्मा एक वर्ग सिग्मा दो वर्ग एक दो सहप्रसरण आव्यूह इस प्रकार है जहां निश्चित रूप से रो एक दो, तब सी का सारणिक जिसे अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट सी अथवा सी का सारणिक होगा सिग्मा एक वर्ग सिग्मा दो वर्ग घटा एक दो वर्ग सिग्मा एक सिग्मा दो सिग्मा एक सिग्मा दो क्षमा कीजिएगा सिग्मा एक वर्ग सिग्मा दो वर्ग बराबर है सिग्मा एक वर्ग सिग्मा दो वर्ग एक घटा सिग्मा एक दो वर्ग अथवा सारणिक का वर्गमान बराबर है
सिग्मा एक सिग्मा दो वर्गमान वर्गमूल, क्षमा कीजिएगा वर्गमान नहीं वर्गमूल, सी के सारणिक का वर्गमूल है एक दो वर्ग। इसी प्रकार क्योंकि सी एक दो अर्थात बराबर है सी सारणिक सिग्मा एक वर्ग सिग्मा दो वर्ग रो एक दो सिग्मा एक सिग्मा दो रो एक दो सिग्मा एक सिग्मा दो सिग्मा दो सिग्मा एक, यह अर्थात एक वर्ग यह। इसी प्रकार एवं अब यह इसे मैं लिख सकता हूँ, यदि मैं इन सादिशों को भी खोल दूँ तब यह कुछ इस प्रकार बनेगा x1 म्यू एक x2 म्यू दो, किंतु यह ऐसा बनेगा x1 म्यू एक x2 म्यू दो पंक्ति एवं एक्स एक म्यू एक एक्स टू म्यू टू स्तंभ। यह इस आघूर्ण का हमें गुणाफल लेना है, यह 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 बना बटे एक दो, यह 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 घटा एक दो यह 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 एवं अंततः यह। अब इन्हें इस सूत्र में वापस रखते हुए, सारणी के सूत्र में वापस रखते हुए एवं इस गुणाफल को इस सूत्र में वापस रखते हुए हमें दो गौसियन यादृच्छिक चरों का रूप प्राप्त होगा जो कि हम पहले देख चुके हैं, अथवा दो गौसियन यादृच्छिक चरों का प्रायिकता घनत्व फलन प्राप्त होगा, जिसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ एफ एक्स एक्स बराबर है एक बटे दो पाई सिग्मा एक सिग्मा दो एक दो वर्ग गुणा घात एक बटे दो। अब यहाँ से यह सब में एक समान है,
इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, वर्क एक्स एक माइनस म्यू एक बटे सिग्मा एक वर्क जमा एक्स दो माइनस म्यू दो बटे सिग्मा दो वर्ग घटा बटे सिग्मा एक सिग्मा दो। यह इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमने देखा था कि दो गौसीय यादृच्छिक चरों का संयुक्त घनत्व फलन है। अब इसी प्रकार यदि x एक सम्मिश्र यादृच्छिक सादिश है, यदि x एक सम्मिश्र यादृच्छिक सादिश है, तब उसका घनत्व फलन इस प्रकार दिया जाएगा, fxx बराबर है एक बटे पाई घात एन घात हर्मिशियन यहाँ यह कहना आवश्यक है कि यह म्यू मध्यमान सादिश है एवं यह सहप्रसरण आव्यूह है। साधारणतः एक सम्मिश्र गौसियन यादृच्छिक चर को वृत्तीय कहा जाता है जब उसके वास्तविक एवं काल्पनिक खंड अथवा उसके वास्तविक एवं काल्पनिक अवयव, आप उन्हें खंड कहना चाहें अवयव कहना चाहें वह आपके ऊपर है, खंड स्वतंत्र एवं मध्यमान शून्य के साथ समरस बंटित एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन जीरो, समरस बंटित हों, अर्थात उनका सहप्रसरण एवं सहसंबंध शून्य हो, एवं क्योंकि वे समरस बंटित हैं अर्थात उनका प्रसरण एक समान है, समरस बंटित हैं इसलिए उनका प्रसरण एक समान है। अब प्रसरण z बराबर है वर्ग मध्यमान z बराबर है x का वर्ग मध्यमान जमा y का वर्ग मध्यमान बराबर है x का प्रसरण जमा y का प्रसरण, जो कि दोनों बराबर हैं, अर्थात दो गुना x का प्रसरण, अर्थात एक सम्मिश्र वृत्तीय गौसियन यादृच्छिक
चर का प्रसरण उसके अखंडों के प्रसरण का दो गुना होगा। इसी अवधारणा को एक आयाम में लेकर जाते हुए अथवा एक साधारण वृत्तीय सममित सम्मिश्र यादृच्छिक चर की चर्चा करते हुए एफ जेड जेड बराबर है बटे, यह एक साधारण वृत्तीय सममित गौसियन सम्मिश्र यादृच्छिक चर होगा। इसी के साथ हम गौसीय यादृच्छिक सादिशों की अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।